अखंड ज्योति के साथ 40वीं करौली कैलाया देवी पदयात्रा रवाना। चैत्र नवरात्र में करौली कैला देवी माता के दर्शनों के लिए ब्याना कस्बे से श्री कैला मित्र मंडल की 40वीं पदयात्रा गुरुवार शाम रानीबाग मंदिर से रवाना हुई। मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद माता रानी की आकर्षक झांकी और अखंड ज्योत के साथ डीजे के साथ पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताका लिए माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। पदयात्रा का रास्ते में लोगों ने स्वागत किया। भक्तमंडल सदस्य विजय गर्ग ने बताया कि पदयात्रा में करीब 70 श्रद्धालु शामिल हैं। पदयात्रा सुरोंट हिंडौन अटेवा होते हुए करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 7 अप्रैल को सुबह करौली कैला देवी पहुंचेगी, जहां माता की पूजा अर्चना कर झंडे चढ़ाए जाएंगे। पदयात्रा में नंदराम सेन, विजय लवानिया, प्रेम शंकर मित्तल, बालीगर्ग, विष्णु सैनी आदि कई महिला और पुरुष शामिल हैं। गयाना से केला मैया धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। इस यात्रा में करीब 70 आदमियों की संख्या है और गयाना से सूरत प्रस्थान करेगी, उसके बाद सूरत से हिंडौन प्रस्थान करेंगे, हिंडौन से बांधवे के नरेगा प्रस्थान करेंगे और फिर करौली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये